नफरत को घर बाहर निकालो और प्रेम को अंदर समाओ। ह्यूमिलिटी ओवरफ्लोइंग, नम्रता निरहंकारिता, बाबा भी कह रहे थे सेवा में सफलता चाहिए। और लवफुल इंटेंशन, इंटेंशन आपकी भावनाएं कैसी होनी चाहिए, इमोशंस कैसी होनी चाहिए, सबके प्रति लवफुल है। आज बाबा ने भी कहा आंतरिक वृत्ति आपकी कभी भी अशुभ ना, सब आत्माओं का कल्याण, सबका भला, सब इस कार्य में सहयोग कर पाए ऐसा। ये तो सभी जानते हैं कि जो प्रहलाद की कहानी है, होलिका वाली है, प्रहलाद माना प्रभु की औलाद, ऐसा एक दिन ही बता रहे थे, प्रहलाद को संधि विच्छेद करो प्रभु की औलाद है। कि उसके बाप ने हिरण्यकश्यप ने जो वरदान ले लिया था कि ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं, ना दिन मरूं ना रात मरूं, तो उसने सोचा कि ऐसा तो कोई मिलेगा नहीं, ऐसा भक्त आएगा नहीं, मैं तो अमर हो गया, सारी प्रजा में डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही भगवान, बस मुझे ही भगवान समझ के पूजा करो। पर उसका अपना बेटा ही उसको भगवान नहीं समझ, पिता तो समझता था लेकिन परम पिता नहीं समझता। वो भगवान का भक्त हो गया तो हिरण्यकश्यप को बड़ी ठेस पहुंची है हमको, ये क्या। तो उसने बहुत सारे प्रयास किए उसको मारने के। उसकी बुआ को कहते हैं ऐसा वरदान था होलिका को, एक चादर मिली हुई थी, एक कपड़े की चादर की बात नहीं है, व्यवस्था में वरदान मिली थी कि इस चद्दर को कभी भी अग्नि स्पर्श भी नहीं कर सकती। उसने क्या किया, चद्दर उड़ के बैठी, प्रहलाद को गोद में ले लिया अग्नि के अंदर, ऐसा हवा का झोंका आया, चद्दर उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गई, होलिका की गुलाम हो गई, चल गई। मतलब जो भगवान के सच्चे भगत होते हैं, आज भी बाबा ने कहा तुम दो कदम सूक्ष्म में आओ, मैं स्थूल में हजार कदम आगे आ जाता हूँ, पाप आ जाता है। शेर के आगे फेंक दिया, शेर भी उसको प्यार करने लगा, कुछ नहीं कहा कि शेर खा लेगा। फिर क्या किया, एक लोहे का थंब तपा दिया गया है, ऐसा बताया गया उसको मारने के लिए, कहा कि तब मारेंगे के इस तत्ते थंब में से भगवान तेरी रक्षा करे, तब मानेंगे तो उसका सच्चा भगत है। इतने में एक छोटी सी चींटी वहां चलती हुई दिखी उसको, उसने सोचा जब ये चींटी नहीं जल रही मुझे क्या हो सकता है, उसने उसको भाकी पहन ली थंब को। उसे नरसिंह का बता रहा है, तम तो मनुष्य का था नर का था, लेकिन सर्वशक्तिवान परमात्मा आ गया, सिंह माना सर्वशक्तिवान परमात्मा उसमें प्रवेश कर गया इस नलचोले में, ना मनुष्य रहा ना पशु रहा, नरसिंह अवतार हुआ और संगम का समय था, न दिन था न रात था, न कलयुग की रात थी न दिन था, और आयरन एज में आया था परमात्मा, इसलिए आयरन का थंब तपाया गया। उसने मारा आगे, तो ऐसे ही भगवान ने उसका वरदान भी पूरा किया कि ना तो अंदर मरे ना बाहर मरे, ना दिन मरे ना रात मरे, दहलीज के बीच में था, फिर ऐसी जगह बनाया गया जो दहलीज के बीच में था, ना अंदर था ना बाहर था, ऐसा तो पाया गया। इसलिए अभी तो ना तो सत्ययुग में प्रवेश हुए हो, कलयुग से बाहर हो, ना अंदर हो ना बाहर हो, कहीं भी नहीं, अंदर पहुंचे नहीं अभी दिन में और रात बीत गई बीच में खड़े हो। तो ऐसे समय पर ऐसी अहम बली आत्माओं का आकर नाश होता है। तो बाबा ने अभी नंदन में ने आपको बता ही दिया, आज ये तीन बातें बहुत पक्के से कर लो, पास्ट इज पास्ट, जो होली सो होली, बीत गई, और इतने संपूर्ण पवित्र हो जाओ होली अर्थात पवित्र, और तीसरा मैं आज से बाबा की होली।
किसी और की हो नहीं सकती। ऐसे उसके गहरे रंगों में, पक्के रंग में रंग जाओ कि दुनिया का कोई दूसरा रंग आप पे प्रभाव नहीं डाल सकता। रंगी हुई चीज पे कभी रंग नहीं चढ़ता, व्हाइट पे तो चढ़ जाता। इतना परमात्मा प्रेम के रंगों में रंग जाओ कि कोई भी दूसरा रंग आप पे ना चढ़े। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाली। बस ऐसे लाल लाल रंग चढ़ा दो, उस पर दूसरा कोई रंग चढ़ता नहीं। इसलिए ऐसे हम बाबा के होलीएस्ट बाप के होलीएस्ट बच्चे हैं। इतनी मन वचन करण की पवित्रता रखो, साक्षीपन की स्थिति में रहो, स्वस्वरूप में स्थित रहो, तो किसी भी गलत बातों का प्रभाव हमारे ऊपर आ ही नहीं सकता। ऐसी बातें तो आती रहेंगी, एक जाएगी दूसरी आएगी। बाबा कई बार कहते हैं चूहा जाता है तो बिल्ली आ जाती है, बिल्ली जाती है तो शेर आ जाता है। डर डर के कब तक जियोगे? इसलिए ये तो कागज के शेर है, सब कागज के, सब कुछ एक फूंक से उड़ जाएगा। आपकी बुद्धि की तार जुड़ गई जिनकी, ईश्वर से विकारी से वो हरगिज हराया ना जाएगा। रोशन किया जे चिराग शिव ने, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ये माया की फूकों से कभी भी बुझने वाला नहीं है। अगर बुझता है तो जरूर शिव ने रोशन नहीं किया, किसी इंसान ने रोशन किया था, किसी इंसान के हिसाब से आ गए थे, उसके आधार पे आ गए थे। वो आधार हिला तो आप भी हिलेंगे। निराधार मन को है आधार शिव का, बराबर है सबके लिए प्यार शिव का। सिर्फ कैच करने वाला चाहिए। इसलिए हमेशा हमें अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कभी भी बदलना नहीं चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो हमेशा बताया करती हूँ कि एक व्यक्ति था, उसको किसी ने कह दिया कि कुत्ता तेरे कान ले गया। वो लाठी लेकर कुत्ते के पीछे भाग लिया कि कुत्ते को मार दूंगा क्योंकि मेरा कान ले गया। फिर किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि मुंह पे हाथ फेर के तो देख ले कि कान है भी कि नहीं। ऐसे ही भाग्य से वंचित हो जाओ, ऐसी ऐसी बातें आएंगी। आपको लोग ये भी आके कह सकते हैं, एक बार आया था मुरली में, मुरली में भी आया था और हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब हम ज्ञान में चले थे ना, हमें आके लोग ये कहा करते थे कि हम वहां से निकले ना आश्रम के आगे से, दीदी आपकी बुराई कर रहे थे, दीदी आपकी बुराई कर रहे थे, ताकि हम दीदी के पास जाए ना, हम किसी तरीके बाबा को छोड़ देवे। हमने कहा जरूर उन्होंने कोई बात देखी होगी, ऐसा कर ही नहीं सकते, जरूर हमारे अंदर कोई कमी होगी तो उन्होंने कहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया, वो तो हमें बनाने वाले हैं, वो हमें सुधारने वाले हैं। इसलिए कह भी दिया होगा तो कोई हर्जा नहीं, हम संपूर्ण थोड़ी है, गलती तो हो सकती है। ऐसे आपको भी लोग आके कहेंगे कि आपके लिए दीदी ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, ये बोल रहे थे, लेकिन हमें किसी भी प्रभाव में आना नहीं। बस हम तो एक परमात्म प्रेम के रंगों में रंग चुके हैं।